हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना मैं आप सबके साथ बहुत ही यूनिक नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप पिज्जा ढोकला भी कह सकते हैं। और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ना ये हेल्दी पिज्जा का बेस्ट ऑप्शन है। इसे आप बिना गिल्ट के पेट भर के खा सकते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल ही क्लासिक पिज्जा की तरह ही आएगा। आपको बिल्कुल फर्क नहीं लगेगा कि आप सूजी के पिज्जा खा रहे हैं। तो परफेक्ट रेसिपी के लिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और नई नई रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ढोकड़ा पिज्जा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है और 1 कप दही लिया है। यहाँ पे आप कोई भी सूजी या रवा ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक बड़ा बोल या बर्तन लेंगे और इसमें 1 कप सूजी ऐड कर देंगे। फिर इसमें 1 कप दही ऐड कर देंगे। अगर आप खट्टा दही ले रहे हैं तो आप 1/2 कप दही भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। मैंने मीडियम खट्टा दही लिया है, इसीलिए मैंने 1 कप दही का यूज किया है। अब हमें सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और सूजी, पानी और दही एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हमें इसे फेंट लेना है। मैंने यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, और तब तक हम यहाँ पे स्टीमर रेडी कर लेते हैं। स्टीमर में थोड़ा पानी ऐड करके फिर इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल गई है और बैटर पहले से थोड़ा थिक हो गया है, इसीलिए कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह की फ्लोइंग रखनी है, तो हमें इस हिसाब से पानी ऐड करना है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून तेल ऐड कर देंगे। अगर आपको इसे येलो कलर देना है तो थोड़ी सी हल्दी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसे व्हाइट ही रखना है, इसलिए मैंने नमक और तेल के सिवा इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब हम बैटर में से आधा बैटर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें बैटर में से 2 प्लेट बनेगी, इसीलिए 1 प्लेट का बैटर हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा बैटर अलग कर लिया है। अब हम पहले प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। प्लेट को ग्रीस करने के लिए इसमें 1-2 बूंद तेल ऐड कर देंगे और प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे हमारा बैटर नीचे चिपकेगा नहीं, और ये तैयारी हमें पहले ही कर लेनी है। अब हमने जो 1 प्लेट का बैटर अलग किया है उसमें 1/2 टेबल स्पून इनो ऐड कर देना है, और इनो ऐड करने के बाद इसे एक ही डायरेक्शन में थोड़ी देर फेंट लेना है, जिससे हमारा बैटर फ्लफी हो जाएगा। अब बैटर को ग्रीस की हुई प्लेट में पोर कर देना है, और इसे हम इक्वली स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसे स्टीम करेंगे, और इसे स्टीम करने के लिए हाई फ्लेम पे 12 मिनट के लिए रख देंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही स्टीम करना है, और जब तक हमारा ढोकला स्टीम हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पे बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कैप्सिकम, 1 प्याज और 1 टमाटर लिया है, और सारी सब्जियों को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से स्वीट कॉर्न लिए हैं और इसे बॉईल कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे ढोकड़ा को भी 12 मिनट हो चुके हैं, और इस तरह चेक करने से नाइफ क्लीन निकली है, इसका मतलब ढोकड़ा अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। प्लेट हल्की सी ठंडी हो जाए फिर हम इसके ऊपर 1 टेबल स्पून पिज्जा सॉस ऐड कर देंगे, और इसके बाद 1 टेबल स्पून पिज्जा टॉपिंग ऐड कर देंगे। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक ही सॉस है तो आप एक ही यूज करना, एक सॉस से भी पिज्जा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब दोनों सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पूरी प्लेट पे इक्वली स्प्रेड कर देंगे। सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर चीज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिज्जा चीज लिया है। पिज्जा चीज को हम ऊपर ग्रेट कर लेंगे, और चीज की क्वांटिटी आपको जितनी रखनी है उतनी कम या ज्यादा कर सकते हैं।
अब हम इसके ऊपर कट किए हुए वेजिटेबल सेड कर देंगे। मैं यहाँ पे कैप्सिकम, थोड़े टमाटर, थोड़े प्याज और बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ओलिव है, पनीर और मशरूम है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न को मैंने यहाँ पे पहले थोड़े बॉईल कर लिए हैं, जिससे इसे स्टीम करते वक्त ज़्यादा टाइम ना लगे। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़े चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। चिली फ्लेक्स आपको जितना स्पाइसी रखना हो उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा ओरिगानो ऐड कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स और ओरिगानो ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़े मिक्स हर्ब लिए हैं, वो भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है। अब हम इसे स्टीम करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लुक आया है। अब इसे 5 मिनट के लिए या फिर चीज मेल्ट हो जाए तब तक स्टीम कर लेंगे। मैंने इसे 5 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चीज भी मेल्ट हो गई है और सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई है और देखने में भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारे पिज्जा ढोकला को बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसे गरम गरम ही सर्व करेंगे और सर्व करने के लिए पहले हम इसे पिज्जा की तरह कट कर लेंगे और फिर साइड में से थोड़ा इस तरह से अलग कर लेंगे। और जब आप इसे सर्व करेंगे ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने सूजी में से बनाया है। बिल्कुल क्लासिक पिज्जा की तरह ही इसका टेस्ट और लुक आता है। तो आप भी एक बार ये पिज्जा ढोकला घर पे बना के जरूर ट्राई करना। ये बनाने में भी बहुत आसान है और साथ ही में ये टेस्टी और हेल्दी भी है। तो आपको आज की ढोकला पिज्जा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही में नई नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई और परफेक्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, एंजॉय।